जय श्री राम दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में फिर से आपका एक बार स्वागत। दोस्तों, आज नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, इसलिए नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए एक फिर से बहुत ही सुंदर मकान लेकर आए हैं। लोकेशन बहुत ही शानदार है, आलमबाग अवध चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, संगम विहार कॉलोनी, और ये गली नंबर 8 है। और वो सामने रोड दिख रही है, एक बार रोड दिखा दीजिए। अगर कार दिख रही हो आपको, जो पेड़ जहाँ गाय खड़ी है, इससे बस मुश्किल से 20 फुट बाद ही मेन रोड है। ये तीसरा मकान है गली के बाद में, बहुत ही शानदार एलिवेशन है, आपको दिख ही रहा होगा। कई कलर का इसमें कॉम्बिनेशन रखा गया है, एक ये येलो कलर है, ऑरेंज कलर, और उसके साथ वाइट, और बीच में वीस कलर। बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, बहुत ही शानदार एलिवेशन। ऐसा एलिवेशन आपको आसपास में देखने को नहीं मिलेगा, बाकी आप आके प्रत्यक्ष देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ज़्यादा एलिवेशन में टाइम ना देते हुए अंदर चलते हैं और आपको अंदर से मकान दिखाते हैं। जितना बाहर से दिख रहा है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी ये मकान है, लेकिन उससे पहले आइए, इस गेट को भी आपको दिखा दिया जाता है। दोस्तों, ये आपको लगभग 9 फीट की चौड़ाई के साथ ये गेट मिल जाता है, और बहुत ही सुंदर इस गेट को भी तैयार किया गया है। आप देख ही रहे हैं, इसमें ये गेट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें 2 घोड़े ये ऐड किए गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा रॉयल लुक आए। ये मकान उन्हीं लोगों के लिए है भी जो थोड़ा सा अलग दिखना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, उनके लिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। ये है आपकी पार्किंग, पूरा ये पार्किंग इतनी स्पेशियस है कि आपकी इसमें स्कॉर्पियो तक खड़ी हो जाएगी, और इसमें खड़ी करके देखी भी गई है। आराम से आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और सामने आपके 20 फीट की रोड मिल रही है, जहां पर आप जाकर अपनी गाड़ी बाहर की तरफ घुमा लेंगे और निकल जाएगी। और यहाँ पे पोर्च में ही आपको ये समरसिबल का डायरेक्ट पॉइंट दे दिया गया है, और ये एक टैप भी दे दिया गया है, जिससे कि आप अपने घर की धुलाई उलाई कर सकें, गाड़ी की धुलाई कर सकें, उस तरह ही स्पेसियस बना दिया गया है। यहीं पर समरसिबल का ये पैनल लगा दिया गया है, और वाटर अलार्म भी यहीं पे लगा हुआ है, और बाकी स्विच सॉकेट सारे इस फॉल सेलिंग और यहाँ के यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। एक फैन का भी सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, ये है आपका पहला वॉशरूम, ये आपका पहला वॉशरूम है जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। आपको दिख रही होंगी सारी एक्सेसरीज यूनिक डिजाइन की लगी हुई हैं, और सॉफ्ट डिस्पेंसर, ये सारी चीजें यहाँ पे लगा दी गई हैं। ये यहाँ पे टॉवल रॉड और विथ हैंगर सब कुछ, और ये मिक्सचर आपको सब दिख रहा होगा, पावर चलने लगा, पानी कनेक्शन चालू है। आपको कुछ आपको करना नहीं है, सब लगा हुआ है। और इसके बगल से यहां से स्टेयर केस दी गई है, और ये है आपका पहला बेडरूम, या कह सकते हैं कि गेस्ट रूम आप चाहें। इसको इसलिए इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गेस्ट को बाहर रखना चाहते हैं, तो आप अपने गेस्ट को यहां पर रख सकते हैं, आपका पूरा अंदर का हिस्सा अलग हो जाता है। और इसी में यहाँ पर एक स्टोर रूम की सुविधा दे दी गई है।
जो यूजलेस सामान है आपका या अनाज अनाज कुछ लोग रखते हैं स्टोर करके, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों। ऊपर बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग दी गई है और वैसे ही लाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है। कमरे का ये साइज है ये 13x10 का है। अब आइए चलते हैं मकान के अंदर के हिस्से में। दोस्तों ये है आपका अंदर का हिस्सा हॉल और ये पूरा स्पेसियस आपको दिख ही रहा होगा। ये लगभग 26 फीट का स्पेस है और यहाँ पे आपको एक सुंदर किचन मिल जाता है, मॉडलर किचन, और उसके साथ में यहाँ पे एक चिमनी भी दे दी गई है जिससे कि आपको कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। पूरा स्पेसियस किचन रखा गया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यूनिक मिल जाएंगी, जैसे कि ये टॉप, अभी तक आपने ब्लैक ही देखा होगा, हमने यहाँ पर इसको अलग से वाइट कर रखा गया है, इस किचन की खूबसूरती को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। बाकी सब कुछ यहाँ पे, ये आपका कटलरी का स्पेस हो गया, यहाँ पर आपका कटलरी का सामान आ जाएगा, चौका चू वो जो चक्कू वक्कू, और ये प्लेट वेट के लिए, ये बड़े बर्तनों के लिए, ऐसे ही इधर भी दिया गया है नीचे, और यहाँ पे मकान की रजिस्ट्री भी रखी हुई है, और ये यहाँ पे आप अपना जो है बड़े जो कनेक्टर वनेक्टर टाइप के सामान है वो रख सकते हैं। और ये भी देखिए पूरा स्पेसियस रखा गया जाए जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और कहीं भी इसमें हैंडल का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ चीज़ें इसमें आपको पहली बार देखने को मिलेंगी, और वाइट हमने इसको रखा तो आपका सिंक हमने ब्लैक लिया है, ये ऐसे ब्लैक ही रहेगा। और ये देखिए इसमें पानी की आवाज़, गिरने की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ पानी की आवाज़ आएगी। और ये टैब एडजस्टेबल है, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ही सारे ही हैं। और यहाँ पे हमने ये आपका स्पेस जो दिख रहा है दोस्तों, ये फ्रिज के लिए दिया गया है, यहाँ पे आपकी फ्रिज लग जाएगी, और ये स्विच सॉकेट यहाँ पे दे दिए हैं पावर वाले, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, और वहाँ पे आप अपना जो माइक्रोवेव है वो सब आप लगा सकते हैं। और इस स्पेस को आप जो यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि वो स्पेस बहुत लंबा है, यहाँ अगर आप डाइनिंग एरिया के रूप में इसको यूज करते हैं, ये सब एरिया जो बचता है आपका, तो आप यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन दे दिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत वॉश बेसिन दिया गया है बिस्त वैनिटी के साथ में। बहुत ही इसका जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया बहुत ही सुंदर रखा गया, नीचे की टाइल्स से मिलाया गया है, और यहाँ पे भी फिर से एक बार एडजस्टेबल आपका टैब दिया गया है, और ये सब जो भी सॉफ्ट डिस्पेंसर है यहाँ पे भी लगा दिए गए हैं। और पीछे यहाँ पे एक आपको बहुत ही खूबसूरत टीवी यूनिट मिल जाता है, आप यहाँ पे कितनी भी बड़ी टीवी आराम से लगा सकते हैं। और ये है आपका जहाँ पर आप अपना ये स्थान सोफा ओफा अपना लगा सकते हैं, और यहाँ से बैठकर ये डिके चेयर रखी हैं, और यहाँ तक आप आपका आपका पूरा यूज कर सकते हैं, यहाँ तक मतलब कितने भी कितना भी बड़ा सोफा आप लगाना चाहें तो आपका लग जाएगा, लगभग 10-12 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और आपकी टीवी का आनंद ले सकते हैं। ऊपर आप देख ही रहे हैं बहुत ही सुंदर फॉल सीलिंग जो कि हमने अभी आपको क्लिप में दिखाया ही होगा, फिर से आप देख लीजिए, और वैसे ही सुंदर यहाँ पे हर एक चीज आपको पूरा मैच करके दी गई है। यहाँ पे देखिए हमने दीवार में झूमर लगाया है, और अंदर बहुत ही सुंदर फॉल, ये जो विंडो मिल रही है आपको सब साउंड प्रूफ वाली मिल रही है, साथ में हमने यहाँ पे मॉस्किटो का सिस्टम भी लगा दिया है कि आप जब खोलेंगे तो जाल में यहाँ पे मच्छर आपके अंदर नहीं आ पाएंगे घर के अंदर। और ये हमने सारे विंडो में 3 चैनल इसको बनवाया है। दोस्तों ये है आपका मास्टर बेडरूम, ऊपर बहुत ही कलर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा गया है,
पिंक कलर का प्रयोग किया गया क्योंकि ये बेडरूम है, और वैसे ही ये 3D वॉलपेपर आपका बहुत ही सुंदर वॉलपेपर है। अब पता नहीं कैमरे में कैसे दिख रहा है लेकिन आंखों से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और फॉल सीलिंग में वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर रखा गया, येलो और ऑरेंज और पिंक कलर का। एक विंडो मिल जाती है आपको जो कि आपके OTS एरिया में खुलेगी। और यहां पे आपको एक हम वार्डरोब दे रहे हैं बड़ा। दोस्तों ये है आपका एक बड़ा वार्डरोब। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपका पूरा सामान आ जाना चाहिए, जो एक फैमिली में होता है उतना हमने सोच इसको तैयार कराया है। ये लगभग 5.5 फिट इसका चौड़ान है और 7 फिट की हाइट रखी गई है। इस कमरे से लगा हुआ ये है आपका अटैच वॉशरूम जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनाया गया है। और एक बार आप दिखा दीजिए, यहां पे भी सारी एसेसरीज जैसे कि पहले आपने देखी थी वैसे ही लगाई गई है। दोस्तों ये लोकेशन 4 बाग से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे है और आलमबाग बस स्टॉप से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ओला उबर सब कुछ सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अब आइए ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। आइए, तो ये है आपका स्टेयरकेस। यहाँ पे हमने ग्रेनाइट का प्रयोग किया है, डबल मोल्डिंग रखी है। आप इसमें आपको अपनी शक्ल तक दिख जाएगी, इस तरह है ये, इतनी चमक है इसमें। और यहाँ पे स्टील सपोर्ट का रेलिंग मिल रही है और ये रेलिंग ऐसे ही बनी रहेगी, ओरिजिनल जो होती है स्टील की पाइपें वो लगाई गई हैं इसमें, हमेशा ऐसे ही रहेगी। और ये है आपका ऊपर का पोर्च। तो दोस्तों ये है आपका ऊपर का पोर्च, थोड़ा सा यहाँ पे अभी भीगा हुआ है क्योंकि धुलाई अभी हम ही लोगों ने किया है इसकी, क्योंकि ये अपना ही घर है तो धुलाई तो करनी ही पड़ेगी। और आपको दिखाने के लिए साफ सफाई कर दी गई है। और इसको चाहें तो आप, ये इतना स्पेस आपका जो मिल रहा है वैसे खुला रखेंगे तो बहुत ही सुंदर है, अगर चाहें तो आप इसको कमरे के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से शीशा लगाकर इसको चाहें तो आप पैक कर दें, एक रूम की तरह आप या ड्राइंग रूम की तरह इसको यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, इसको हॉल में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। और या रेंट आउट करना है आपको तो भी ये आपके यूज में आ जाएगा। और ये हिस्सा आपका, ये इसमें एक बेडरूम आपका, तीसरा बेडरूम ऊपर का ये, इसका भी साइज 13x10 है और जो मास्टर बेडरूम था नीचे उसका साइज 14.5x10 था। ऊपर आपकी फॉल सेलिंग आपको दिख ही रही है, बहुत ही सुंदर और वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे पूरे मकान में एक ही कलर का प्रयोग किया गया है। और ये जो दरवाजे आपको दोस्तों दिख रहे हैं, और बहुत ही सुंदर ये आपका वुडन टच में वॉलपेपर, जैसे लग रहा है लकड़ी का प्रयोग किया गया है, 3D आपको दिख रहा होगा, हालांकि ये वॉलपेपर है। और ये दरवाजे जो आपको दिख रहे हैं ये सब स्पेशल है, स्पेस ये कलर किया गया है और ये अलग क्वालिटी के हैं। और पूरे ही मकान में आपको हैंडल लॉक मिल जाएगा, कहीं ये नहीं है कि एक मेन फ्रंट जो डोर है उस पर लगाया गया है, पूरे पूरे ही कमरों में हमने ये हैंडल लॉक लगाया है। अब आइए आगे चलते हैं, आपको ओपन टेरेस एरिया दिखाते हैं। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, बोलने में वो जोश नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये व्रत का टाइम है तो उतना अच्छा आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों ये है आपका ओपन टेरेस एरिया, पूरा आपको स्पेस मिल जाता है लगभग 400 स्क्वायर फीट का, 400 और
यहाँ पे हम आपको एक वॉशरूम भी दे रहे हैं जो कि फिर से एक वेस्टर्न स्टाइल में बना हुआ है, दिखा दीजिए। और सारे ही बाथरूमों में छत तक टाइल्स लगाई गई है, जैसे आप 5 स्टार होटल में देखते हैं वैसा ही बनाने का प्रयास किया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे एक आपको वॉश बेसिन मिल रहा है, बाकी फिर से वही सॉफ्ट सॉप ऑफ रखने वाली सुविधा यहाँ पे दी गई, मंजन वंजन रखने की सुविधा। दोस्तों इस मकान में दूसरी जो इसकी खासियत है एक और है अन्य मकानों से, आपको कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है। अगर आपको आगे बनाना है कि छत तोड़ना पड़ेगा, आपको जीना की समस्या आती है, लोहे की सीढ़ियाँ बनी रहती है, वैसा नहीं है। हमने पूरा 2 मंजिल तक आपको स्टेयरकेस बना दिया है जिससे कि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो। आप आगे बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ से थोड़ा सा छज्जा तोड़ेंगे और आप आगे का हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। और ये स्टेयरकेस आपकी पूरी 2 मंजिल तक बनी हुई है। और ज़्यादा टाइम अगर हम आपको ऊपर तक चलेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। अब आइए यहीं से आपको हम जो बची हुई जानकारी है वो भी दे देते हैं। दोस्तों पूरा मकान आपने देख लिया है और बहुत ही शानदार लोकेशन है, कॉलोनी के बीचों बीच ये मकान है। इससे 500 मीटर या 1 किलोमीटर पीछे तक मकान बने हुए हैं और इधर आगे 2 किलोमीटर तक मकान बने हुए हैं, इधर भी 500 मीटर तक मकान बने हुए हैं, इधर तो कम से कम 1 किलोमीटर मेन रोड तक मकान है ही है। मेन रोड से दूरी जो आपकी होगी अगर हम सीधा जाएंगे तो लगभग 700 मीटर होगी और जो कॉलोनी की मुख्य रोड है उधर से आएंगे तो 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और आलमबाग अवध चौराहा यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में पड़ेगा। सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में ही होगा दोस्तों। और आलमबाग बस स्टॉप, बस टर्मिनल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चारबाग रेलवे स्टेशन 7 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सुख सुविधाओं की बात कर ली जाए जो आवासीय होती हैं वो आपको यहाँ पर, यहाँ से लगभग 100 मीटर पर रोज़ शाम को सब्जी मंडी लगती है। बाकी कॉलोनी के अंदर ही रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और स्कूल कॉलेज की बात की जाए दोस्तों तो आपका स्कूल यहाँ से CMS स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ से हम कॉलोनी के लिए इंटर करते हैं, मेन रोड से छोड़ते हैं। मेन रोड के दाहिने साइड में अगर हम आलमबाग की तरफ से आ रहे हैं तो दाहिने साइड में CMS स्कूल है, बाएं साइड में कॉलोनी का एंट्रेंस है। DRM ऑफिस के अपोजिट साइड में ही आपका CMS स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, अवध कॉलेज, ये तीनों हैं। तो सारे अच्छे स्कूल जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं DRM ऑफिस की तरफ, वैसे ही बच्चों का किडजी और हेरिटेज हॉल और कई जो मतलब कि नर्सरी के पहले वाले प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनका सारा स्कूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हॉस्पिटल अवध हॉस्पिटल जानते ही आपके यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कॉलोनी में भी कई हॉस्पिटल हैं। और इस मकान के पीछे एक MBBS डॉक्टर हैं जिनका खुद का क्लिनिक है, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर TS मिश्रा का मेडिकल कॉलेज है जो सरकारी हॉस्पिटल जैसा ही है, सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल जाती हैं। और इधर भी आपको एक मेन रोड मिल जाती है, यहाँ से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर है जो कृष्णा नगर से पारा को जोड़ती है, आगरा एक्सप्रेसवे के लिए निकलती है वो रोड है। और इधर 1 किलोमीटर पर ये आपका हरदोई बाईपास है। तो ये थी लोकेशन की बातें, अब बचती हैं तो वो बता देते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि दोस्तों ये 20x40 का मकान है और पूरब फेस का मकान है। कवर्ड एरिया इसका लगभग 1400 स्क्वायर फीट है और ये 3 BHK बना हुआ है। 3 बेडरूम आपको इसमें मिल जाते हैं, एक हॉल मिलता है और ये एक ऊपर का हॉल, मतलब 2 हॉल आप जोड़ लेंगे, 2 हॉल मिल जाता है और मॉडुलर किचन, बाकी जो एसेसरीज आपको साथ में दिख जाए, 3 वॉशरूम भी इसमें बने हुए हैं। तो ये थी इस मकान से संबंधित, अब बचता है आपका फाइनेंस और प्राइस। तो दोस्तों फाइनेंस इस पर आपको 80% आराम से मिल जाएगा और यहाँ पर LIC, बाकी HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक लगभग यहाँ पर लोन कर देते हैं। और जो इस मकान का प्राइस रखा गया है वो आपने अगर पहले देखा होगा तो हमने 50 लाख रुपए इसका फिक्स रखा था, अब हम उसमें कुछ छूट देने की कोशिश करेंगे और 50 लाख रुपए ही इसका प्राइस अभी भी है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।